ग्राम पंचायत मारवाड़ी में 2011-12 में जल निगम घनसाली से 78 लाख की पेयजल योजनाओं को स्वीकृति मिली थी, जिसको विभाग और समिति ने अपने मनमाने तरीके से अंजाम दिया और सरकारी धन का पूरा दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि जिस ग्राम पंचायत के नाम से योजना थी वहां पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई और जंगलों की छानियों में थोड़ा बहुत पाइपलाइन को वहां तक पहुंचाया गया। इस योजना को अंजाम दिया गया। जिन्होंने भी इस मामले में शिकायत कर विरोध किया उनको प्रतिनिधियों के द्वारा समिति के लोगों के द्वारा धमकियां दी गई, जिससे 13 जुलाई 2017 को युवक मंगल दर मारवाड़ी के युवाओं के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और विभाग से सूचना मांगी गई। तो सूचना में पता चला कि काम तो छोड़िए, विभाग और समिति ने मिलकर कागजी कार्रवाई भी किसी और के नाम से फर्जी बना रखी थी। उनकी मोहर लगाकर योजना को पूर्ण कर दिया गया था। यहाँ तक कि जब युवक मंगल दल के अपर सचिव राजपाल पवार और अध्यक्ष मंगसीर सिंह ने 25 दिसंबर 2017 को समिति के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत करवाया तो उन लोगों ने गांव में सभी को आपत्तिजनक शब्द भी कहे और धमकियां भी दी। लोगों का कहना कि जब तक उनके ग्राम पंचायत को न्याय नहीं मिल जाता और जब तक सरकारी धन की वसूली नहीं होती तब तक ऐसे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सजा के लिए लोग चुप नहीं बैठेंगे। राजपाल पवार ने समाधान पोर्टल के माध्यम से जांच करवाई, जिस पर 3 जांच की गई और तीनों जांचों में वो दोषी पाए गए। और हमारे ग्राम पंचायत मुराड़ी में 2011-12 में जो मंगल जल निगम से 78 लाख की योजना आई थी, जिसमें विभाग ने और समिति ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और उसको धरातल पर बिल्कुल नहीं किया। यही लोग हमको आज कहीं फोन के माध्यम से धमकियाँ दे रहे कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संवाद 365 के लिए गंसाली से हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट।